चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में 2018-19 का। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का 13 सितंबर 2019 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको याद रखना है 25वां। मध्य प्रदेश के किस शहर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो याद रखना है छिंदवाड़ा। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक मध्य प्रदेश के कितने शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा? 6 शहरों में। भोपाल किस अगला क्वेश्चन है, भोपाल के किस विश्वविद्यालय में अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह जबलपुर। ठीक है, निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया? रातीगढ़ गुजरात से, रातीगढ़ भोपाल से। निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया? रातीगढ़ भोपाल से। 19वीं इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखना है आपको, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 10 नवंबर से। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास के लिए कौन से राज्य से समझौता किया गया? तो आपको रखना है छत्तीसगढ़ याद। मध्य प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मैदानी चुनाव कार्य करने हेतु अधिकारी कर्मचारी के लिए कितनी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है? 8 लाख। किस नगर निगम को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया? तो याद रखना है इंदौर नगर निगम। इंदौर की खिलाड़ी सरिता चौरे ने अभी हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जीते। सरिता ने जूनियर बालिकाओं के 48 किलोग्राम से कम वजन वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला है, म्यांमार में आयोजित स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कमल चावला ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। प्रदेश में वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम लागू करने वाला प्रदेश का कौन सा विभाग बन गया? पहला विभाग। वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी। वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वन मंत्री श्री उमंग सिंघार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख जेके मोहंती। मध्य प्रदेश के किस मंदिर को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेज 2 में फर्स्ट रनर अप स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया? रीवा जिले को। वह कौन सा प्रदेश है जहाँ के सभी थानों को सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमिता एवं निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? जबलपुर। आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्यमंत्री। आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है मुख्यमंत्री कमलनाथ, उपाध्यक्ष है ओमकार सिंह। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक आदिवासी परिवार को जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा राज्य सरकार के द्वारा दी गई? तो आपको याद रखना है 10,000। मध्य प्रदेश के किस जिले में आधुनिक कैथलिक का प्रारंभ हुआ है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में जन्मी कौन सी प्रसिद्ध महिला को डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर। डॉक्टर राजीव कुमार, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वह 2 दिन के प्रवास पर मध्य प्रदेश के किस शहर में आएंगे? इंदौर। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 किसे देने की घोषणा की गई? यह मंजूर एहतेसाम। कौन सा है? याद रखना, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 मंजूर एहतेसाम।
मध्य प्रदेश को पर्यटन की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने पर कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए? 10। किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश को रोमांचक पर्यटन श्रेणी का अवार्ड दिया गया? गोवा। हाल ही में मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोवा और मध्य प्रदेश रोमांचक पर्यटन श्रेणी में के साझा विजेता है। अगला, किस सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक केंद्र खोलने को मंजूरी दी है? जबलपुर। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 की सम्मानों की घोषणा की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश किन जिलों के व्यक्तियों को इस सम्मान में सम्मानित किया गया? तो याद रखना, ग्वालियर, दमोह। जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम प्रतियोगिता में धार जिले के रहने वाले हितेंद्र सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, प्रथम स्थान प्राप्त कर। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में हॉकी फीडर सेंटर स्थापित किया जाएगा? धार जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले की यूनिवर्सिटी में एनजी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा किया गया? इंदौर। मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन को आईएसओ 14001 2015 प्रमाण पत्र दिया गया? खजुराहो। खजुराहो रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं एवं स्वच्छता तथा पर्यावरण विश्व स्तरीय है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन के द्वारा खजुराहो रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र 20 सितंबर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विख्यात कवि मणिक वर्मा का निधन हो गया, वह मध्य प्रदेश किस जिले से थे? इंदौर से। वे मूलतः हरदा के निवासी थे, परंतु कुछ समय से इंदौर में रहने लगे थे। याद रखना, मणिक वर्मा। मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी? 1500। केंद्र सरकार और कॉलेजियन के बीच टकराव के बाद किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जस्टिस अकील कुरैशी। अगला, मध्य प्रदेश में प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय किस नाम से खोला जाएगा? अध्यात्म का मंदिर। मध्य प्रदेश के बड़े मंदिरों को के जीर्णोद्धार के लिए कितने रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे? 2 करोड़ 45 लाख। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षा योजना इंदिरा गृह ज्योति योजना को नए स्वरूप में कब से लागू किया जाएगा? 1 सितंबर 2019। मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पर कार्गो एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू की गई? डबरा। मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया? तो रामराजा सरकार मंदिर ओरछा। मध्य प्रदेश सरकार की पेयजल योजना में किन जिलों की जल विधायक योजना स्वीकृत की गई? राजगढ़ और एवं बालाघाट। मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर। 5। इसके प्रथम चरण में भोपाल में 100 बसों का संचालन किया जाएगा, इंदौर में 100, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में कुल 50-50। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर से एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने जा रहा है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस शहर के शासक बंजर भोपाली को हाल ही में डॉक्टर शिव बहादुर से सम्मान से सम्मानित किया गया? भोपाल। प्लेटिनियम स्कॉच अवार्ड के से मध्य प्रदेश के किस विभाग को सम्मानित किया गया? परिवहन विभाग। दिल्ली में आयोजित समारोह में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्लेटिनियम स्कॉच अवार्ड ग्रहण किया। अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है? नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पौराणिक महत्व एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की तैयारी वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है। अगला है, वह कौन सा एयरपोर्ट है जिसमें एक साथ 3 पुरस्कार मिलने पर वह देश का पहला एयरपोर्ट बन गया? इंदौर एयरपोर्ट। एशिया पैसिफिक श्रेणी में आने वाले देशों में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 3 अलग अलग श्रेणियों में बेस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। अगला, राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल को कहाँ कुलपति नियुक्त किया? अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में हाथी महोत्सव आयोजित किया गया? उमरिया जिला। कौन सी राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्थित के अभयारण्य में अफ्रीकी चीते लाने के प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित किया गया नोरादेही अभयारण्य। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है? उज्जैन। हाल ही में पोहे सिकंजी के साथ दो तरह की नमकीन की जीआई टैग पर मध्य प्रदेश के किस शहर ने दावा किया? इंदौर। हाल ही में देवास जिले की उदयनगर तहसील में पर्यटन विकास के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और किसके बीच करारनामा हुआ? किलम महिंद्रा। राज्य सरकार ने ऊर्जा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया? श्री सज्जन सिंह वर्मा बरगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा आयुक्त किसे बनाया? राजीव शर्मा। हाल ही में भारतीय रेलवे का अधिकृत रेल नीर बनाने का प्लांट चालू किया गया मंडीदीप में। 5 जुलाई से मंडीदीप में रेल नीर बनाने वाला प्लांट चालू हो गया। 16 जुलाई से भोपाल मंडल के सभी स्टेशन, जबलपुर का सागर स्टेशन, कोटा मंडल की कोटा स्टेशन पर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अभी तक इसका प्लांट भोपाल मंडल में नहीं था, इसके कारण रेलवे ने भोपाल, हबीबगंज, इटारसी, बीना समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर दूसरे ब्रांड के पानी बेचने की स्वीकृति दी थी, क्योंकि प्लांट नहीं होने की स्थिति में रेल नीर की सप्लाई संभव नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को आकांक्षी योजना के तहत 3 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ? गुना। आकांक्षी योजना के तहत गुना जिले को 3 करोड़ रुपए का बजट मिला है। भारत सरकार ने आकांक्षी योजना के तहत नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देश के पिछड़े 115 जिलों में गुना जिले को 47वें पायदान पर रखा। याद रखना, 47वें पायदान पर। 6 महीने में देश में तीसरा स्थान इस जिले को मिला। अगला क्वेश्चन है, राज्य ने अभी हाल ही में उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के टाइगर राजस्व का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में स्थान प्राप्त किया है। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने कहा है कि वन वनवासियों प्रदेश वासियों को समन्वित सहभागिता से प्रदेश की जैव विविधता संरक्षण कार्य योजना बनाई जाएगी। वर्ष 2004 में नवीन तकनीकों को उपयोग में लाते हुए वैज्ञानिक पद्धति से अखिल भारतीय बाघ गणना आरंभ की गई। 2019 की बात बता रहा हूँ, जो नई रिपोर्ट आई इसमें 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिपोर्ट के प्रबंधन की प्रभावशाली मूल्यांकन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में सर्वोच्च अंक हासिल किया? 5 टाइगर रिजर्व। पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो याद रखना, 552 करोड़ 50 लाख। किस स्थान पर सावन शिल्प 2019 हस्त शिल्प हथकरघा मेला 2 से 12 अगस्त तक लगाया जाएगा? भोपाल में संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग निगम द्वारा 2 से 12 अगस्त तक हस्तशिल्प हथकरघा मेला का वंशन 2019 से लगाया जाएगा। अगला, स्मार्ट गौशाला बनाने के लिए किस राज्य के पशु पालन विभाग और SIVCS कंपनी के बीच MOU साइन हुआ है? मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के किस शहर के तैराक अद्वैत भागे ककुरिया में होने वाली सीनियर विश्व की तैराकी प्रतियोगिता में चयन हुआ? उज्जैन। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय योजना खेलो इंडिया के किस राज्य के राजकीय खेल शामिल किए गए? मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब को शामिल किया गया। प्रदेश के किस सभी जिलों में वातानुकूल वोल्वो बस चलाने की योजना? पायलट प्रोजेक्ट रूप में सबसे पहले किस जिले में सेवाएं शुरू की जाएंगी? छिंदवाड़ा और सागर। ठीक है, हाल ही में हिंदी भवन में आयाम हिंदी जिंदगी की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा के द्वारा। प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड योजना में प्रदेश के 51 जिलों में सैंपलिंग और मिट्टी के परीक्षण के कार्य में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है? रतलाम। दूसरे नंबर पर नरसिंहपुर, तीसरे पर राजगढ़, चौथे और पांचवें पर धावर और खरगोन क्रमशः। मध्य प्रदेश में किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर पुरातात्विक काल के फॉसिल्स और प्रागैतिहासिक काल के पत्थर पाए गए? नरसिंहपुर। याद रखना, दिल्ली में आयोजित 19वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की पैरा एथलीट खिलाड़ी रूबिका फ्रांसिस ने मध्यप्रदेश को कितने स्वर्ण पदक दिलाए? 2। दिल्ली में आयोजित 19वीं कुमार सुरेंद्र स्मृति शूटिंग चैंपियंस में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की पैरा एथलीट खिलाड़ी रूबिका फ्रांसिस ने
में दो स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाए। रूबिका ने एयर पदक जूनियर एवं सीनियर वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा वुमेन स्पर्धा में अर्जित किए। चैंपियनशिप में शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल 17 पदक अर्जित किए। इनमें से राइफल खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य पदक तथा पिस्टल खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत अर्जित किए। अगली खबर है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंडिया की सबसे आधुनिक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी किस शहर में खोली जाने की घोषणा की गई उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा? तो इंदौर। भारत सरकार की नीति आयोग के शिक्षकों और बच्चों की दक्षता के उन्नयन में के लिए रेमिडियल शिक्षा प्रोग्राम के माध्यम से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बन रहा है? हरदा। प्रदर्शन करने वाले जिला उच्च प्रदर्शन हरदा, नीमच, होशंगाबाद, बैतूल, कटनी रहे तथा निम्न प्रदर्शन अलीराजपुर, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, रीवा और रतलाम। अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, 46वीं ग्लेन मार्ट ओपन यूनियन नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस जिले के नानक मूल चंदानी ने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता? नीमच। नानक को इस साल छपने वाली एकमात्र तैराकी मैगजीन स्विमिंग में सेकेंड कलर पेज का स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जिले में स्थित विश्वविद्यालय देश भर के 71 कृषि और वेटनरी विश्वविद्यालय को पछाड़ते हुए एक नंबर एक वन कृषि विश्वविद्यालय का हासिल दर्जा हासिल किया जबलपुर। यह दर्जा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली ने दिया। ICAR ने उस उन विकृति विश्वविद्यालय के अनुसंधान शिक्षा और प्रसार के कामों को परखने के बाद सरदार पटेल ICAR उत्कृष्ट अवार्ड 2018 दिया। वर्ष 2017 में यह अवार्ड पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को गया था। याद रखना, जबलपुर में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय खुला था मध्य प्रदेश का। अगला है, राइट टू वाटर के साथ साथ देश का कौन सा राज्य 7.30 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवा देने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार योजना तैयार कर रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7.30 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार स्वास्थ्य का अधिकार योजना तैयार कर रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.88 करोड़ परिवारों को 10 लाख तक के उपचार की सुविधा देना सरकार की योजना है। इस योजना में वे लोग भी आएंगे जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर की चौपाटी को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का तमगा मिलने जा रहा है? इंदौर। देश के टॉप 10 चौपाटियों में शामिल होगी इंदौर की सराफा चौपाटी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 प्रोजेक्ट इंदौर में चल रहे हैं। 56 दुकान को पहले ही क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया जा चुका है। बात करते हैं, हाल ही में अभिनेता अजय देवगन के व्यावसायिक उपक्रम NY सिनेमाज ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला 3 मैट्रिक मल्टीप्लेक्स शुरू किया है? रतलाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। संयुक्त अरब अमीरात में वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस शहर में की है? IIM इंदौर। विदेश के नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण वासियों की समस्या के निराकरण और विकास के सुझावों पर अमल करने के लिए राज्य सरकार आपकी सरकार आपके द्वारा योजना शुरू कर रही है। ये व्यवस्थित विदेश की आम जनता की समस्याएं, शिकायतों की सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार हर महीने दूसरे मंगलवार को कौन सा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है? जन अधिकार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को होगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू होकर मुख्यमंत्री लोगों की दिक्कतों का समाधान करेंगे। अगला है, आयकर विभाग मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग बन रहा है? भोपाल में। 7 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया? छिंदवाड़ा जिले। मध्य प्रदेश में तालाबों के संरक्षण और जल भराव की जानकारी संधारण करने के लिए किससे जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड वेब पोर्टल तैयार किया गया? EPOC। यह पोर्टल मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार किया गया। पोर्टल पर प्रदेश के 2.25 हेक्टेयर से अधिक वेटलैंड को शामिल किया गया। अगला है, किस राज्य की महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को और अधिक दक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आंगनवाड़ी शिक्षा ई लर्निंग की व्यवस्था की है मध्य प्रदेश में। राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से स्वास्थ्य से जुड़े 23 इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 17वां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वर्गीय संजय गांधी के नाम पर संजय गांधी पर्यावरण मिशन नाम से पहली स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत हर साल कितने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? 5 करोड़। मध्य प्रदेश की ट्राइबल विभाग ने किस आयुर्वेद कॉलेज को आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों पर रिसर्च की जिम्मेदारी है? पंडित खुशी लाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल। 3 साल तक चलने वाली इस रिसर्च में करीब 6 करोड़ खर्च होंगे। शहडोल अनूपपुर मंडला डिंडोरी जिले इस रिसर्च में की जाएगी। प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने अपने कामकाज का आकलन एक सर्वे के जरिए करने के लिए किस संस्था का द्वारा फॉर्म तैयार किया करवाया? तो IIT खड़गपुर। देश के अभी सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 2 में मध्य प्रदेश के किस जिले के हिमांशु शुक्ला शामिल थे? रतलाम के। हिमांशु सफल प्रोजेक्ट मंगलयान में शामिल रह चुके हैं। 1350 किलोग्राम के इस सैटेलाइट 15 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। इसमें 1000 वैज्ञानिकों की टीम लगी थी। तो याद रखिए हिमांशु शुक्ला थे रतलाम जिले के। हाल ही में राज्य आनंद विभाग ने हर महीने के प्रोग्राम की थीम तय की है। अब इस माह की थीम क्या होगी? खेलों को समर्पित। राज्य आनंद विभाग हर वर्ष भर अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम करवाएगा। विभाग के द्वारा इस थीम पर हर महीने जिला स्तर पर करवाया जाएगा। इन कार्यक्रमों की शुरुआत जुलाई महीने से हो जाएगी तथा इसके बाद निरंतर जून 2020 तक चलेगी। हर महीने होने वाले प्रोग्राम की थीम इस प्रकार है। जुलाई में कृतज्ञता को समर्पित, अगस्त खेल को समर्पित, सितंबर अल्प विराम को समर्पित, अक्टूबर मदद को समर्पित और नवंबर सीखने को समर्पित और दिसंबर संबंधों को समर्पित। तो याद रखिए जुलाई किसको? कृतज्ञता को समर्पित, अगस्त खेल को समर्पित, सितंबर अल्प विराम को समर्पित, अक्टूबर मदद को समर्पित और नवंबर सीखने को समर्पित और दिसंबर संबंधों को समर्पित। अगला है कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं मंडदीप की स्कूलों के लिए उच्च गुणवत्ता पूर्ण मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत सेंट्रलाइज किचन सेट व्यवस्था के संचालन के लिए किस स्टेशन से कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति दी गई? अक्षय पात्र। अगला है क्वेश्चन, हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इंदौर स्थित किस अस्पताल में मध्य प्रदेश सरकार मदर मिल्क की शुरुआत करने जा रही है? बैतूल। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में हलधर ऑर्गेनिक किसान अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया? ललिता मुकाती। इस कार्यक्रम में बड़वानी जिले की बोरलाय निवासी महिला उन्नतशील किसान ललिता मुकाती को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता पराग की संपादक डॉक्टर गीता गीत को दिल्ली में आयोजित डॉक्टर निर्मल वालिया अभिनंदन ग्रंथ एवं सम्मान समारोह में विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया? वह मध्य प्रदेश के किस जिले से आती है? जबलपुर से। स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर देश के प्रमुख शहरों की जल शक्ति की रैंकिंग में की गई जाएगी। इस सर्वे में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 11। वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम 3 माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा? इंदौर, इंदौर जिला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य में राज्य कृषक आयोग की जगह राज्य कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश। किस प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में बच्चों के बस्ते का वजन तय कर दिया? तो मध्य प्रदेश। आम नागरिकों में रेडिएशन का स्तर पता लगाने के लिए देश की दूसरी लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई? भोपाल। आम नागरिकों में रेडिएशन का पता लगाने के लिए यह देश की दूसरी लैब है। इससे पहले एक लैब मंगलोर में चल रही है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को कौन से जिले में फर्स्ट एटमोस्फियर रिसर्च ट्रबेड लेबोरेटरी स्थापित की गई? सीहोर में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रजनन दर में पूरे प्रदेश में अव्वल पहले नंबर पर है? भोपाल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए मध्य प्रदेश के हिस्से का सर्वे पूरा कर लिया गया। यह मध्य प्रदेश कितने गांव से गुजरेगा? 144। यह मार्ग मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर मंदसौर जिले के डाबला
माधव सिंह गांव से शुरू होकर मध्य प्रदेश गुजरात सीमा स्थित देवर गांव झाबुआ पर खत्म हुआ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न और बाल अपराध अपराधी के मामले के किस राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। आरबीआई की त्रिमासिक आवासीय संपत्ति मूल्य सर्वेक्षण के तहत 13 शहरों को शामिल किया गया, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? भोपाल। मध्य प्रदेश में इंदौर के शहर में लालबाग में किस उत्सव की शुरुआत हुई? मालवा उत्सव। इस वर्ष हुए मालवा उत्सव का यह 20वां अवसर था। इस बार इस मेले में 300 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां कृतियां प्रस्तुत की। इस उत्सव में देश के ही नहीं बल्कि थाईलैंड, युगांडा और नेपाल के कलाकारों ने भी अपने देश की खूबसूरत कलाकृतियां प्रस्तुत की। इंदौर के लालबाग में आयोजित मालवा के इस मेले में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड आदि स्थानों के शिल्पकारों की कलाकृतियां देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल ही में यूनिसेफ के कौन से हेड से मुलाकात की? यास्मीन अली। यूनिसेफ मध्य प्रदेश के मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मध्य प्रदेश में यूनिसेफ के सहयोग से हो रहे काम में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य योजनाओं पर भी यूनिसेफ से चर्चा हुई। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने किसानों को 3 समान किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सम्मान राशि प्रदान की? 80 लाख। मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को 3 समान किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। सरकार के द्वारा किसान के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की मांग से 6 हजार रुपये सीधे जमा करवाए जाए। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पटवारियों को सौंपी गई है। अभी हाल ही में इंग्लैंड की अंडर-19 काउंटी क्रिकेट लीग में खिलाड़ी संजय सैनी का चयन हुआ। किस जिले से संबंधित है? गुना से। देश के विभिन्न प्रांतों में खेले गए लीग मैचों में लगातार उत्कृष्ट बल्लेबाजी के आधार पर संजय सैनी का चयन हुआ है। इंग्लैंड में आगामी 19 जून से हो रहे अंडर-19 काउंटी क्रिकेट लीग में मध्य प्रदेश के गुना जिले राधौगढ़ निवासी संजय सैनी भी खेलेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश की कमला सरकार द्वारा विभागों के लिए नीति बनाने के काम में किस संस्थान का चयन किया गया? अटल बिहारी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान। अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान न केवल योजनाओं का प्रभाव आकलन करेगा बल्कि विभागों की नीति बनाने का भी काम करेगा। पंचायत और स्वास्थ्य जैसी अन्य विभागों की नीति बनाने का भी काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल का कुछ सितंबर 2007 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय जेल संगठन को मंजूरी दी गई? छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कमलनाथ के गृह क्षेत्र जिले छिंदवाड़ा में केंद्रीय जेल की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया। इसके लिए कैबिनेट ने 228 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर देश का पहला सिर्फ भोग प्लस मंदिर घोषित किया गया? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सेफ भोग प्लस घोषित कर दिया। यहाँ पर मिलने वाले लड्डू प्रसाद अन्य क्षेत्र से मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता प्रमाणित हो गई है। इसके साथ ही अब मंदिर समिति लड्डू प्रसाद के पैकेट पर विशेष भोग टैग भी लगा दे सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली में आयोजित एक समारोह में महाकालेश्वर मंदिर समिति को यह प्रमाण पत्र दे दिया गया। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला महाकालेश्वर मंदिर देश का पहला ज्योतिर्लिंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय रक्तदान सेवा सम्मान प्रदान किया गया? तो यह डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी। जिला चिकित्सालय मंदसौर में पदस्थ प्रभावी अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी को रक्तदान क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाओं एवं सहयोग के लिए हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान आकस्मिक परिस्थिति में जरूरतमंद मरीजों को रक्त की पूर्ति करवाने हेतु दिया गया। भारतीय अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद के प्रावधान में बुंदेली भाषा का राष्ट्रीय अधिवेशन और बुंदेली समारोह 2019 विभिन्न रंगमंचों रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 25 जून को कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल के शहीद भवन में।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा बिजली पावर बैंक बनाने का निर्णय लिया है। इस पावर बैंक की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। यह बिजली का पावर बैंक देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बिजली स्टोरेज सिस्टम है। सरकार ऐसी ऐसा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा रही है जिसमें 500 मेगावाट बिजली को स्टोर किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश की तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण भोपाल ने किस जिले के प्रसिद्ध भगवान शनि मंदिर को प्रमुख तीर्थों में पंजीकृत किया? मुरैना के। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण भोपाल ने जिले के ग्राम इंदी में प्रसिद्ध भगवान शनि मंदिर की को प्रसिद्ध तीर्थ में पंजीकृत किया है। अभी हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को उनके साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर पुनाखा में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भूटान द्वारा सम्मानित किया? यह वरुण कुमार वरुण कपूर। श्री वरुण कपूर आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर रेंज को उनके साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर पुनाखा भूटान में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भूटान द्वारा सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने डोर टू डोर पुराने कपड़ों का कलेक्शन कर उनसे थैले बनाने कर देने का अभियान शुरू किया है? भोपाल ने। भोपाल नगर निगम द्वारा डोर टू डोर पुराने कपड़ों का कलेक्शन कर उनसे थैला बनाकर देने का काम शुरू किया है। इस मुहिम को कैरी ऑन योर ओन बैग नाम दिया गया। 15 जुलाई को देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट इंदौर से पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ने किस शहर के लिए उड़ान भरी है? याद रखना दुबई। पिछले महीने 29 मई को इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के चलते 15 जुलाई को देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट में पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट दुबई के लिए उड़ान भरी। केंद्र सरकार के इंदौर के द्वारा इंदौर एयरपोर्ट पर एविएशन चेक पोस्ट की अनुमति देकर यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की औपचारिक मंजूरी भी दी गई है। तो दुबई याद रखना। अगला है, मध्य प्रदेश के किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सभी एटीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई? जय किसान ऋण माफी योजना। मध्य प्रदेश गौशाला का हाइब्रिड एनर्जी मॉडल कौन से शहर की प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? दिल्ली। दिल्ली की प्राइवेट कंपनी सिप्स कंपनी के द्वारा 5 साल में लगभग 3,000 गौशालाएं बनाई जाएंगी। हर साल लगभग 7 गौशालाओं का निर्माण होगा। यह गौशाला अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त रहेगी। गौशाला में एयर कंडीशन लगाए जाएंगे। यह गौशाला हाइब्रिड एनर्जी मॉडल पर काम करेगी। अगला है क्वेश्चन, वन विभाग के द्वारा पौधा आपके द्वार योजना लॉन्च कर दी गई। इस योजना के तहत वन विभाग में मांग पत्र देने पर कितने रुपए पौधे के हिसाब से वन विभाग को पौधा उपलब्ध कराएगा? 10 रुपए। पौधा आपके द्वार के तहत छायादार व फलदार दोनों तरह के पौधे 10 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे, जिसमें आम, नीम, पीपल, नींबू आदि सहित लगभग 20 प्रकार के पौधे शामिल किए गए। इस योजना के अंतर्गत लोग mpforestonline.gov.in पर पौधे की मांग कर सकता है। अभी हाल ही में मधुसूदन पाटीकर ने यूरोप के 5,642 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर माउंट एल्वोस पर भारत का तिरंगा फहराया हुआ। मध्य प्रदेश के किस शहर से? इंदौर। याद रखिए मधुसूदन पाटीदार इंदौर से। मध्य प्रदेश की राव की रहने वाली मधुसूदन ने 12 घंटे में चोटी पर चढ़कर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। इसे अमूमन लोग 8 से 10 दिन में पूरा करते हैं। अगला है, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इपको और नगर निगम के सहयोग से किस शहर में 330 पारंपरिक कुओं एवं बावड़ियों की पहचान पर उनके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? इंदौर। इस योजना के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपए का 100% अनुदान प्राप्त हुआ है। साथ ही शहर के बड़े इलाकों में सूखे ट्यूबवेल्स और हेडपंप भूजल स्तर बढ़ाने के कारण पुनः चालू हो सकेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली बिल आधा करने के बाद सरकार पर कितने रुपए सालाना भार आ रहा है? 2100 करोड़ रुपए। हाल ही में सिहोरा में हिरण नदी के पुनर्जीवन के लिए सीड बॉल फेंकने की योजना बनाई गई। यह किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? नर्मदा। यह कार भारत नामदेव जय भारतीय शिक्षा केंद्र मझगवा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। हिरण नदी का पुनर्जीवन करने के लिए इसके किनारे सीड बॉल फेंकी जाएगी। इस सीड बॉलों में कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे पौधे उठ आएंगे जो बड़े होने पर नदी के कटाव को रोक सकेंगे।
अगला है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व की सरकार द्वारा संचालित किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सवेरा, मुख्यमंत्री जन कल्याण या नया सवेरा नाम दिया है? तो याद रखना संबल योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कितने हजार करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया? 7,000 करोड़। अगला, एमपी में अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालन मंडल की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। श्री कमलनाथ ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालन मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजना बनाने के लिए निर्देश दिए। इसके अंतर्गत प्रदेश में स्मार्ट सिटी के रूप में 7 नगर निगमों के अलावा शेष 9 नगर निगमों में भी ज्यादा से ज्यादा नागरिक सुविधाएं देने के लिए अधोसंरचना उन्नयन की अलग से विशेष योजना बनाई। मध्य प्रदेश के किस जिले में बड़े पैमाने पर किसानों की खेतों में इस बार वर्ष काजू के बगीचे लगाए जाएंगे? बैतूल। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा माह डेंगू निवारक माह के रूप में बनाया जाएगा? जुलाई 2019। अभी हाल ही में मालवा क्षेत्र में स्थित किस शहर की सिरपुर तालाब को राष्ट्रीय महत्व की बेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया? इंदौर। अगला, पैसेंजर ग्रोथ एंड फैसिलिटी प्लान के तहत मध्य प्रदेश किस एयरपोर्ट पर बेबी फ्रेंडिंग रूम बनाएगा? भोपाल। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट संपन्न हुई? तो याद रखना भोपाल। एमपी के किस जिले के सरकारी कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया? जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल गठन किया गया? महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में 15 महीने की महाविद्यालय छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यह छात्रावास कितने करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा? 108 करोड़। राज्य सरकार ने लोक सेवा केंद्रों के संचालन की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार की किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद उप समिति बनाई है? तो गृह मंत्री। अफगानी मूल की मानी जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पाए जाते हैं अलीराजपुर। अफगानी मूल की मानी जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। आम की यह प्रजाति आमों की मल्लिका के रूप में मशहूर नूरजहां के फलों का औसत वजन इस वजन बार मौसम की मेहरबानी से बढ़कर 2.75 किलोग्राम पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कब अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा? 26 जून को मनाया। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कौन से 4 शहरों में मिनी स्टेडियम बनाने का निर्णय हो चुका है? जबलपुर। जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम बनाने का टेंडर हो चुका है। स्टेडियम के निर्माण में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे, मतलब है कि 4 स्टेडियम के निर्माण में 16 करोड़ खर्च आएंगे। इन स्टेडियम का निर्माण पुटाताल, करियापाथर, शिवनगर एवं शिव शक्ति नगर में किया जाएगा। राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की प्रयास शुरू कर दिए? रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता के उद्देश्य से सभी विकासखंड मुख्यालयों पर परिवार विकास मेले लगाए जाए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जनसंख्या स्थिरता माह कब से कब मनाया जाने का निर्णय लिया? 11 जुलाई से 11 अगस्त। कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मॉब लिंचिंग के मामले में जिम्मेदार पर कितने साल की तक की सजा का प्रावधान किया गया? 3 साल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल मेट्रो की लागत में कितना हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी? 20%। अगला है क्वेश्चन, 3 दिवसीय शेक्सपियर फेस्ट शेक्सपियराना का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल। 30 अप्रैल से 2 मई तक चलने वाले इस फेस्टिवल का आयोजन भोपाल शहर में किया गया, जिसके अंतर्गत शहर के अलग अलग जगहों पर शेक्सपियर को याद किया गया। क्लब लिटराटी एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन इंग्लिश प्ले राइटर शेक्सपियर के जन्म दिवस को भोपाल शेक्सपियर के फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया गया। अगला है, स्कूल गेम्स में कौन सा राज्य 403 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा? मध्य एस जी एफ आई ने 64वें इंटरनेशनल स्कूल गेम्स की ओवरऑल मेडल की पहली सूची जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को 164 स्वर्ण पदक, 103 रजत, 136
कांस्य समेत 403 पदकों तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के से किस स्थान पर का चयन हिट एक्शन प्लान रिसर्च के लिए हुआ है? सागर। मध्य प्रदेश से किस स्थान का चयन हिट एक्शन प्लान व रिसर्च के लिए हुआ है? सागर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात में मध्य प्रदेश में हिट एक्शन प्लान रिसर्च के लिए सागर का चयन किया है। इसके लिए टीम मई से जून माह तक सागर शहर में अत्यधिक गर्मी यानी हीट ग्रोथ से होने वाली मौतों व इनकी रोक इनको रोकने के उपाय का रिसर्च करेगी। IIPHG की टीम सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के विभाग व नगर निगम के साथ मिलकर यह काम करेगी। इसके पहले अहमदाबाद को 2013 में देश के पहले ही एक्शन प्लान के लिए चुना गया। अगला सिलिकोसिस की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी की निगरानी के लिए अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव श्री श्रम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। अगला पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हिम्मत कोठारी को। पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन कर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी को अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कोठारी ने ही अपनी सेवा प्रदान की। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से शहर के स्कूल ने जीता? भोपाल। नौ बार दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार ग्वालियर ग्वालियर गैलोरी हाई स्कूल ने फिल्म जुनून जिद से जीत तक के लिए दिया है। यह फिल्म स्कूल स्टूडेंट कैटेगरी के अंतर्गत प्रदर्शित की गई। डॉक्टर आकांक्षा रितेश को इंटरनेशनल अवार्ड किस देश की यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया गया? थाईलैंड। शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर आकांक्षा रितेश को थाईलैंड की कैसेट सर्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 मई को लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एकेडमिक लीडरशिप 2018-19 के लिए डॉक्टर आकांक्षा का चयन इंडियन एजुकेटर की इंडिविजुअल कैटेगरी इंटरनेशनल जूरी कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एप्लीकेशन द्वारा वेदांत एकेडमिक्स बैंकॉक अवार्ड के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव दिवस एकाध पर्व के रूप में कब मनाया गया? 9 मई। 9 मई को आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव दिवस एकात्म पर्व के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में काउंसलर का चुनाव जीतने वाली अभिमन्यु कहाँ की निवासी है? नागदा। अभिमन्यु सिंह 700 साल से भी पुरानी जनप्रतिनिधियों की सभा में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। नागदा रोहल खुर्द की निवासी अभिमन्यु सिंह ने ब्रिटेन के शहर कैंगस्टन अपॉन हनी सिटी के काउंसिल के चुनाव में जीत दर्ज किए। लक्ष्य सिंह ने मॉडलिंग की रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में रूबरू मिस्टर मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीता है। किस शहर ने? गुना के। मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सिंह आईसीआईसीआई बैंक के इंदौर में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। दिल्ली में ब्यूटी एक्सपो टैलेंट शो अवार्ड किसने जीता है? रागनी ने। उज्जैन से परफेक्ट परफेक्ट लुक ब्यूटी केयर की मेकअप आर्टिस्ट प्रियंका सिंह परमार ने दिल्ली की प्रगति मैदान में आयोजित ब्यूटी एक्सपो टैलेंट शो में हिस्सा लिया। प्रियंका को बॉलीवुड एक्ट्रेस रेमी सेन व टीवी एक्ट्रेस रागनी खन्ना ने सम्मानित किया है। अगला, केंद्र सरकार की पहल पर किस स्थान पर जल्दी ऑर्थोपेडिक एक्सीलेंस ऑफ इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है? भोपाल में हमदिया अस्पताल परिसर में प्रस्तावित इस क्षेत्रीय संस्था के लिए नई बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि मल्टी लेवल पार्किंग से जुड़ी रहेगी। इसके साथ ही नई इमारतों को बनाने पर भी लगभग 45 करोड़ का खर्च अनुमानित है। वाकड़कर पर केंद्रित परमानेंट रॉक आर्ट गैलरी का किस स्थान पर बनेगी? दिल्ली। भीमबेटका की खोज करने वाले पुरातत्व विद्वान डॉक्टर वेणु सिंह वाकड़कर से जुड़े हुए दस्तावेज एवं उनकी लिखी पांडुलिपियां व इंदौर गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अब नई दिल्ली का हिस्सा हो गए। वहां डॉक्टर वाड़कर पर केंद्रित परमानेंट रॉक आर्ट गैलरी तैयार की जाएगी। अगला, AIGGPA भोपाल में किस देश की छात्र इंटर्नशिप करेगी? ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली में
दिल्ली में पदस्थ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी कमिश्नर श्री रॉड हेल्टन ने अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के महान निर्देशक श्री आर परशुराम से मध्य प्रदेश की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही श्री परशुराम ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के छात्र संस्था में इंटर्नशिप अथवा रिसर्च कर सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस ए कुरेशी। गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज एवं वर्तमान में मुंबई में पदस्थ जस्टिस कुरेशी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एन बी रमन्ना की कॉलेजियम ने जस्टिस कुरेशी को के नाम पर मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्तमान जस्टिस एस की सीट 9 जून 2000 को सेवानिवृत्त हुए। अगला है मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रदेश सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? वरुण पोरवाल को। युवा उद्योगपति और पोरवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट वरुण पोरवाल मालवा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश सचिव बन गए हैं। वे अब तक के सबसे कम आयु के प्रदेश सचिव निर्वाचित हुए। यह संस्था प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्था में से एक है। इससे पूरे प्रदेश के उद्योगपति और व्यापारी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक के साथ राष्ट्रीय कोडो प्रतियोगिता जीती? तो याद रखना यह 41। पूरे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खंडाला में 4 से 11 मई के बीच आयोजित 10वीं सब जूनियर एवं जूनियर तथा सीनियर बालक बालिका प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें जिसमें मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन की खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 41 स्वर्ण, 19 रजत, 24 कांस्य सहित कुल 84 पदकों पर कब्जा कर लिया, पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के कूडो खिलाड़ियों ने पिछले वर्ष का अपना 28 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड भी तोड़कर नया रिकॉर्ड 41 स्वर्ण पदक से बनाया। किसी भी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों का अभी तक का यह नया रिकॉर्ड है। इस जीत के साथ ही मध्य प्रदेश की टीम लगातार तीसरे साल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बन गई। प्रतियोगिता के दूसरे स्थान पर 15 स्वर्ण पदकों के साथ संयुक्त रूप से गुजरात एवं राजस्थान की टीम रही एवं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र को मिला जिसने कुल 12 स्वर्ण पदक जीते। अगली बात करते हैं उज्जैन में डॉक्टर वाकड़कर स्मृति राज्य स्तरीय चित्रकला प्रदर्शन का आयोजन हुआ। पद्मश्री डॉक्टर बीडू वाकड़कर स्मृति 30वीं राज्य स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 3 अप्रैल तक नीलगंगा स्थित लोकमान्य तिलक शिक्षा परिषद के राजा भाऊ महाकाल सभागृह में किया गया। लोकमान तिलक सांस्कृतिक न्यास के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल ने बताया कि प्रदर्शनी प्रतियोगिता में 80 चित्र शामिल हुए। निर्णायकों द्वारा चयनित चित्रों की प्रदर्शनी आमजन के लिए प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुली रहेगी। अगला क्वेश्चन है अगली खबर है ई बीम वीही वीही पेट का प्रथम रैंडमाइजेशन के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में उपलब्ध ईवीएम पेट का फर्स्ट लेवल चेंजिंग FLC कर राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र बार आवंटित किया जाता है। सभी 52 जिलों के लिए ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया एवं 30 मार्च 2019 को 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। अगला है संस्थान गौसेवा भारतीय इंदौर महानगर एवं चैतन्य भारत का संयुक्त वार्षिक उत्सव 31 मार्च को संस्था गौसेवा भारतीय इंदौर महानगर एवं चैतन्य भारत का संयुक्त वार्षिक उत्सव विट्ठल रुक्मणी गार्डन में आयोजित किया गया। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य हुकुम चंद सावला के सानिध्य में किया गया था। अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए
कांग्रेस का थीम सॉन्ग दिल से दिल्ली तक अब होगी कांग्रेस देश के लॉन्च किया था। थीम सॉन्ग हिंदी अंग्रेजी के अलावा देश की अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी था। अगला है, 1.25 करोड़ परिवारों को वित्तीय वितरित की जाएगी मतदाता मार्गदर्शिका। लोकसभा निर्वाचन 2019 में देश के प्रत्येक परिवार के लिए मतदाता मार्गदर्शिका तैयार की गई। मतदाता मार्गदर्शिका निर्वाचन से पूर्व मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को घर घर जाकर भी बीएलओ के माध्यम से वितरित की जाएगी। अगला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ हुआ 15 दिन स्वीप अभियान। बड़वानी जिले में संचालित स्वीप की गतिविधि के तहत एक और विशेष अभियान सोशल मीडिया कैंपेन एंड 45 डेज का शुभारंभ हो गया। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगामी 45 दिन तक अर्थात मतदान के दिन तक प्रतिदिन स्वीप की गतिविधियों पर आकर्षक तरीके से बनाए गए फोटो फ्लैक्स भेजे जाएंगे। इन फ्लैक्स में प्रसिद्ध फिल्मों के पात्रों की फोटो पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के संदेश के नारे या कोटेशन लिखे होंगे, जिसके माध्यम से युवा एवं सोशल मीडिया से जुड़े हुए मतदाता लोकसभा निर्वाचन के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे। अगला, नेशनल डॉप रो बॉल में रेखा ने जीता कांस्य पदक। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल बुलेट रोबोल चैंपियनशिप में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रेखा चौहान ने मध्य प्रदेश के लिए कांस्य पदक जीता है। पहली यूथ नेशनल डॉप रोबोल प्रतियोगिता का शुभारंभ 31 मार्च को हुआ। इसके पहले वह नेपाल में डॉप रोबोल में गोल्ड मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। अगली है खबर, शैक्षिक संस्था में एलो नाइट लाइट अभियान शुरू हुआ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण का कार्यक्रम एवं कोटपा एक्ट के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार की तंबाकू का निषेध रहेगा। इसके संबंध में जागरूकता लाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एलो लाइट अभियान की शुरुआत की गई। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके द्वारा किसी प्रकार के तंबाकू पदार्थ को खरीदने अथवा बेचने अपराध है। अगला खबर है, ओम कारेश मंदिर में दर्शन पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सेवा प्रारंभ हुई है। ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। अब श्रद्धालुओं को घर बैठे दर्शन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इसके पहले ऐप के माध्यम से भी वीआईपी दर्शन के साथ पूजा के लिए एडवांस बुकिंग, महाप्रसाद के लड्डू ऑर्डर की सुविधा शुरू की गई थी। अब प्रत्येक रसीद पास एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही ट्रस्ट प्रदान की गई सेवाओं की बुकिंग भी करेगा तथा प्रत्येक काउंटर और सेवा के स्थान पर एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। अगला है, खजुराहो में बनेगा देश का पहला हीरा संग्रहालय। राज्य सरकार छतरपुर जिले की खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाने जा रही है। इस संग्रहालय में 323 कैरेट के हीरे की ऐसे ही रखे जाएंगे जो टेस्टिंग के दौरान हीरा कंपनी रियो टेटी को पन्ना जिले की हीरा खान से मिले थे। इस संग्रहालय में हीरा नीलामी सेंटर भी होगा, जहां पर पन्ना की खरीद खदानों से निकले हीरे नीलाम किए जाएंगे। अगला है, डॉक्टर जोशी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। विक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन शाला के पूर्व विभाग अध्यक्ष एवं संस्कृत आचार्य डॉक्टर केदार नारायण जोशी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी सुदीर्घ उत्कृष्ट और निरंतर संस्कृत साधना के लिए दिया गया। विदुषी कलापनी कोमकली श्रीनिवास जोशी सम्मान 2019 से सम्मानित किए गए। मालवी जाजम और मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति शास्त्रीय गायिका विदुषी कलापनी कोमकली को श्रीनिवास जोशी सम्मान से विभूषित करने जा रही है। 22 अप्रैल को हिंदी साहित्य समिति की भूमि में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। यह सम्मान हर साल एक कलावंत और अपने क्षेत्र में निरंतर विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रेमचंद सृजन पीठ के निदेशक और वरिष्ठ साहित्यकार जीवन सिंह ठाकुर इस समारोह सम्मान समारोह की अध्यक्षता करेंगे और कबीर धारा के लेखक डॉक्टर सुरेश पटेल मुख्य अतिथि होंगे इसमें। अगला है, वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग में एशिया में नंबर 1 स्थान पर रहे पेड़। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवार अकादमी की प्रतिभावान घुड़सवार पेड़ खरे वर्ल्ड चैलेंजिंग जंपिंग वह रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बन गए।
अब दुनिया के तीसरे नंबर के घुड़सवार हो गए। घुड़सवारी की वैश्विक संस्था FEI ने हाल ही में यह रैंकिंग जारी की है, जिसमें इस श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बन गए। अगली खबर है, एशियन यूथ चैंपियनशिप में नित्याता जैन ने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश की शतरंज खिलाड़ी नित्याता जैन ने एशियन यूथ चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। इस खिलाड़ी ने विलेट टीम में स्वर्ण और स्टैंडर्ड टीम में रजत पदक पर कब्जा किया है। अगला, मध्य प्रदेश लोकसभा निर्वाचन के स्टेट आइकॉन बने अभिनेता कार्तिक आर्यन थे। फिल्म अभिनेता श्री कार्तिक आर्यन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए स्टेट आइकॉन बनाया। अभिनेता कार्तिक आर्यन स्टेट आइकॉन के रूप में भी मैं श्री कार्तिक आर्यन मतदाता जागरूकता एवं मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करेंगे। वे मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के निवासी हैं। श्री कार्तिक आर्यन कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2011 में की थी। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों के अभिनय किया है। अगली बात करते हैं, अगली खबर है, ग्वालियर में पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ग्वालियर में शहर के युवाओं को मंच देने के उद्देश्य से पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत फेस्टिवल के लिए फ्री ऑडिशन 21 अप्रैल को होंगे। इस आयोजन में उन युवाओं का चयन किया जाएगा जिन्हें लेखन, निर्देशन, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस सहित मूवी मेकिंग से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में महारत हासिल है। ऑडिशन के बाद चयनित प्रतिभागियों के लिए एक 20 वर्षीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें सभी प्रतिभागियों को अलग अलग कैटेगरी मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर, देश का पहला रमाव शरण मंदिर विदिशा में बनेगा। जैन समाज के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ के गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याणक की सिंह भूमि शीतल धाम विदिशा में देश का पहला 108 फीट ऊंचा समवसरण मंदिर बनेगा। अगला, शिवपुरी में अमर शहीद तात्या टोपे की बलिदान दिवस पर शहीद मेले का आयोजन करोगे। 1857 के योद्धा अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन शिवपुरी एवं स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से शहीद तात्या टोपे समाधि स्थल पर 2 दिवसीय शहीद मेले का आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं, अब दिल्ली मेट्रो रीवा सोलर प्लांट की बिजली से दौड़ी। मध्य प्रदेश की रीवा स्थित गोड़ में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट की बिजली से दिल्ली मेट्रो ने रफ्तार भरी। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब मेट्रो रेल सेवा का संचालन सौर ऊर्जा से किया गया। अगला, भोपाल रेल मंडल के नए DRM होंगे उदय बोरवांकर वांकर उदय बोरवा अंकर को भोपाल रेल मंडल का नया DRS बनाया गया। उन्हें पूर्व रेलवे मंडल DRM सोहन चौधरी की जगह पदस्थ किया गया। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना द्वितीय चरण की 2 इकाइयों का लोकार्पण कब किसके द्वारा किया गया? तो 3 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पहली बार 2019 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया? अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन MP चैप्टर द्वारा भोपाल में पहली बार 3 फरवरी 2019 को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली किस नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई? बेतवा नदी। 3 फरवरी 2019 को झांसी में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की याद रखना, बेतवा नदी पर। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश की सूचना आयुक्त पद का रावत सिंह और पवन अधिकारी JV कृष्णमूर्ति को बनाया गया। उन्होंने KD खान का स्थान लिया। 28 फरवरी 2019 को रिटायर्ड हुए KD खान। अगला, केंद्र सरकार द्वारा हल्की मकान से जुड़ी परियोजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट नई तकनीक पर आधारित आवास निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना गया? इस योजना के तहत 6 शहरों को चुना गया, राजकोट गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड और इंदौर है अपना मध्य प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, अगला, विटिया उत्सव का आयोजन ग्वालियर में कब से कब आयोजित हुआ? 8 से 11 मार्च 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय बिटिया उत्सव समारोह का आयोजन महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी हैं। याद रखना, महिला बाल विकास मंत्री कौन है? इमरती देवी।
एवं सांसद ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किसी जिला अस्पताल को प्रथम कार्यकल्प अवार्ड 2018-19 के जिला अस्पताल श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त है जबलपुर। श्री तुलसीराम सिलावट जो कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनके द्वारा 6 मार्च 2019 को इंदौर में वर्ष 2018-19 के कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की गई। इस वर्ष 93 अस्पतालों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर जबलपुर, दूसरे पर होशंगाबाद, पन्ना, रतलाम को द्वितीय स्थान प्राप्त है। बात करते हैं वर्ष 2019 के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में टॉप 20 में मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए? 6। इंदौर पहले स्थान पर, उज्जैन 14 स्थान पर, देवास 10वें स्थान पर, भोपाल 19वें, नागदा 18वें, खरगोन 17वें। तो याद रखिए इंदौर है पहले पे, उज्जैन 14 नंबर, देवास 10वें नंबर पे और भोपाल 19वें नंबर पर, नागदा 18वें और खरगोन 17वें। तो टॉप 10 में है 3, ठीक है, 10वें नंबर पर, और टॉप 20 में है 6। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार कितनी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त है? तो तीसरी बार। वर्ष 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर को लगातार तीसरी वर्ष देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव हासिल हुआ। अगला प्रश्न है, मां नर्मदा, मां सिप्पा, मां मंदाकिनी नदी व्यास का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो यह है कंप्यूटर बाबा नामदेश दास त्यागी। याद रखना कंप्यूटर बाबा, पता नहीं इनका नाम कैसे कंप्यूटर बाबा रखा हुआ है, इसका तो सचुन ही को पता होगा। अगला प्रश्न, किन्नर सभ्यता संस्कृति और साहित्य चिंतन और चुनौतियों विषय पर अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इंदौर। पोषण पखवाड़ा मध्य प्रदेश में कब से कब तक मनाया गया? 8 मार्च से 20 मार्च 2019 तक। सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घटाकर कितने रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया? यह 30,000 रुपये, जो कि पहले 39,500 रुपये था। देश का पहला 2 दिवसीय मक्का महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश की नौराही अभ्यारण्य में किस देश से चीते लाने की बात चल रही है? नामीबिया। याद रखिए नौराही अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब कहाँ स्थापित की गई? इंदौर में। मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना का लाभ लेने वाले युवाओं के लिए वार्षिक आय की सीमा कितनी निर्धारित की गई? 2,00,000 रुपये। मध्य प्रदेश शासन ने राजनीतिक मामलों के लिए गठित मंत्रिपरिषद समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन बन गया? इंदौर। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में 19वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं जूनियर कायाक कनोई प्रतियोगिता का शुभारंभ भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी द्वारा 30 जनवरी 2019 को भोपाल के छोटे तालाब में आयोजित 29वें राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर कायाक कनोई प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अगला है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का दीक्षांत समारोह कब मनाया गया? 1 फरवरी 2019। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के NH यादव विंध्य क्षेत्र के रीवा जिला मुख्यालय में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 1 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। विश्वविद्यालय का नाम कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया, जो कि मिट्टी के एक प्रतिष्ठित पुत्र और एक स्वतंत्र सेनानी है। इस मिट्टी के विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जुलाई 1968 को हुई थी। इसे फरवरी 1972 में UGC की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भारती कार्यकर्ताओं का मध्य भारत प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया कहां पर किया जा रहा है? भोपाल में। यह सम्मेलन 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच हुआ, डिपो चौराहा स्थित ठेंगड़ी भवन में किया। संस्कृत भाषा का पठन पाठन को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर हर पीढ़ी को व्यक्ति को संस्कृत अध्ययन हेतु प्रोत्साहन करने के लिए विगत 35 वर्षों से प्रयासरत संस्कृत भारती अखिल भारतीय स्तर पर एक साथ ही विदेशों में विकासशील
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का एकमात्र पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2013 को की गई थी। ठीक है, यह भारत के 18 हो गए। 2019 में एक और बन गया है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। ठीक है, 18, पहले 17 थे अब 18। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा योजना का पॉलिटेक्निकल कॉलेज महाविद्यालय का है हरसूद झाबुआ मंडला। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 1 फरवरी 2019 को संपन्न हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में एकलव्य पॉलिटेक्निक योजना के तहत मध्य प्रदेश की 3 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हरसूद मंडला झाबुआ में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा योजना का लाभ देने का निर्णय किया गया है इसमें। अगला है, महेश्वर में 3 दिवसीय निवाड़ उत्सव। याद रखिए, निवाड़ उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी द्वारा। अगला क्वेश्चन, 4 फरवरी 2019 को खरगोन जिले की देवी अहिल्याबाई घाट महेश्वर में 3 दिवसीय निवाड़ उत्सव का शुभारंभ सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधे के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में भूमिहीन पुजारियों को कितने रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा? 3,000। ठीक है, 5 एकड़ तक की भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों को 700 रुपये से 2100 रुपये प्रति माह और 10 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को 520 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1660 रुपये कर दिया गया। अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भोपाल में। 1 फरवरी 2019 को भोपाल के टीटी स्टेडियम में स्थित मार्शल आर्ट हॉल में इसका शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 राज्यों के पुरुष एवं 9 राज्यों की महिला खिलाड़ियों टीमों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, भोपाल मेमोरियल अस्पताल की रक्त संकरण चलित वाहन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री आरिफ अकील द्वार 2 फरवरी 2019 को रक्त संग्रहण चलित वाहन ई का लोकार्पण किया गया। 19वीं ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी वोमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? दिव्या पवार एवं जी जैसा सह राजपूत। दीपा पवार ने से सम्मानित किलोग्राम भार वर्ग एवं जैसा सह राजपूत ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में पदक अर्जित किया है। अगला है, अंजन सलाह का प्रतिष्ठित महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? धार में। धार में स्थित भक्तावर महातीर्थ अभ्युदय धाम पर विशाल अंजन सलाह का प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 4 फरवरी से 11 फरवरी 2019 तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत 7 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा परिसर में स्थित मंदिर में की जाएगी। 15 वर्ष बाद यह दूसरा प्रतिष्ठा महोत्सव है। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना शुभारंभ कब किया गया? 4 फरवरी 2019 को। मध्य प्रदेश के 1,17,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत हर 5 परिवार को 4 किलोग्राम के हिसाब से दाल का वितरण किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री विधुम्न सिंह तोमर द्वारा 4 फरवरी 2019 को ग्वालियर से मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए नेशनल अवार्ड से मध्य प्रदेश में किसे सम्मानित किया गया? नरेश चौरसिया। छतरपुर की व्यवसायिक कंपनी के द्वारा डायरेक्टर नीरज चौरसिया को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नरेश या नरेश। मध्य प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को द वन ग्लो ऑर्डर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया? इंदौर स्मार्ट सिटी को। इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को द वन ग्लोबल ग्लो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब शुरू किया गया? 4 फरवरी 2019 को। 4 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सिंपल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? यह कूनो पालनपुर अभयारण्य शिवपुर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कूनो अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए शिवपुरी से जोड़कर 113 किलोमीटर का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। 2003 में कूनो अभयारण्य की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में मोगली उत्सव 2019 का कब से कब तक मनाया जाएगा? 24 मार्च से 30 मार्च 2019 तक। मोगली उत्सव में प्रत्येक जिले में 8 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव 2019 का आयोजन मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में 24 मार्च से 30 मार्च के बीच होगा।
हाल ही में साउथ अफ्रीका में खनिज निवेशक सम्मेलन में मध्य प्रदेश कौन से खनिज मंत्री शामिल हुए इसमें? खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में विश्व स्तरीय निवेशक सम्मेलन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 8 से 9 फरवरी 2019 को विशाल रोजगार मेला कहाँ लगेगा? ग्वालियर में। ग्वालियर के आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के 8 से 9 फरवरी 2019 को विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की लगभग 1.5 दर्जन कंपनियां भर्ती के लिए आ रहे हैं। जगरत महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के कहाँ किया जा रहा है? जबलपुर में। जगरत महोत्सव जैन धर्म से संबंधित है। इस महोत्सव के अंतर्गत भगवान मुनि सुब्रतनाथ के जन्म कल्याणक हेतु 5 एकड़ भूमि में अयोध्या नगरी की रचना की जा रही है। यह महोत्सव 27 फरवरी से 23 फरवरी 2019 तक आयोजित होने वाला है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 4,000। इस योजना के अंदर शहरी गरीब रोजगारों को 100 दिनों का रोजगार युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 10 फरवरी 2019 से प्रारंभ होगा। फरवरी महीने में ही रोजगार तथा कौशल विकास का प्रशिक्षण वर्ष देने का कार्य भी शुरू किया गया। 21 से 30 वर्ष जिनकी उम्र है उन्हें मिलेगी। अगला, मध्य प्रदेश शासकीय माध्यमिक शाला में हिंदी ओलंपियड का आयोजन कब किया गया? 26 जनवरी 2019 को। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस योजना में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? श्री एम गोपाल रेड्डी। हाल ही में 38वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ? पृथ्वीपुर में। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत की आबादी को सस्ता राशन मिलता है? 75%। फ्लैट भावांतर भुगतान योजना कृषक संबंधित योजना के अंतर्गत मंडियों में किसानों को सोयाबीन और मक्का विक्रय करने हेतु कितने रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा? 500 रुपये। ठीक है। अभी हाल ही में किस की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकरण गवर्निंग बॉडी गठित की गई? मुख्यमंत्री की। भोपाल में अद्वैत के महाकाव्य विज्ञान ब्रह्मा की विषय पर व्याख्यान कब आयोजित किया गया? 20 जनवरी 2019। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा रीवा ग्राम देहात रंग पर 2019 का आयोजन कब से कब किया जाएगा? 28 से 30 जनवरी। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र कब से कब तक होगा? 28 से 20 फरवरी। हॉकी इंडिया ने स्पेन टूर के लिए महिला टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की करिश्मा यादव को चयनित किया गया है। यह किस जिले से है? ग्वालियर से। 3 दिवसीय IAS ऑफिसर्स मीटिंग का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दावोस में। मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये श्री KD खान। भारतीय जल कार्य संघ का 51वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित होगा? इंदौर में। मध्य प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी स्कीम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के करासब को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? यह 50%। मध्य प्रदेश में खरीफ फसल वर्ष 2018 में किस फसल को खरीदी में शामिल नहीं किया गया? धान। मध्य प्रदेश में शासकीय देव स्थानों की चल एवं अचल संपत्तियों के संरक्षण साधारण एवं विकास के लिए कौन सा कोष बनाया गया? देव स्थान कोष। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जन परिषद संस्था की 6वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? भोपाल में। वर्तकुला विश्वविद्यालय भोपाल का दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? 25 फरवरी 2019 को। मध्य प्रदेश के छात्र ध्रुव अरोरा ने ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जाम JEE मेंस में कितने प्रतिशत अंक के साथ टॉप किया? 100%। अच्छू माता मंदिर किस जिले में? निवाड़ी में। पहले टीकमगढ़ में था, अब अलग कर दिया गया टीकमगढ़ को, टीकमगढ़ से निवाड़ी को 52वां जिला बना है निवाड़ी। और ओरछा भी निवाड़ी में ही आने लगता है। महाराजा किशोर सिंह का मकबरा कहाँ है? छतरपुर। अंतर्राष्ट्रीय विराट गुरुकुल सम्मेलन उज्जैन में कब से कब आयोजित किया गया था? 28 से 30 अप्रैल 2018। छिपनौर माइक्रो उद्यान सिंचाई कौन से जिले से संबंध है? सीहोर से। रुद्र प्रताप के बाद ओरछा का सांसद किसे नियुक्त किया गया था? भारतीय चंद। राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? रतलाम में। हाल ही में 64 साल पुराना ब्रिज गिराया गया, वह किस नदी पर बना था? हडसन नदी।
प्रधानमंत्री नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया? नीमच को। 10 देश का एकमात्र इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया? महू में। राष्ट्रकवि स्नेही स्मृति सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर योगेश दुबे को। अभी हाल ही में मोहनपुर सिद्धेश्वर गुफा स्थान पर मेले का आयोजन किया किस जिले में हुआ? गुना। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए राशि पुरस्कार के रूप में देने का प्रस्ताव लाया जा रहा है? 3 करोड़। मध्य प्रदेश में मिस्टर एन मैसेज इंडिया सुपर मॉडल 2019 का खिताब किसने जीता? अस्मिता सिंह। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए विशेष सप्ताह का आयोजन कब से कब किया जाएगा? 21 जनवरी से 26 जनवरी। मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार किसको दिया गया जाता है? पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को। मामा भांजा शैला से कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी से 2 किलोमीटर दूर पानार पानी गांव ग्राम में। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल शिशु जनसंख्या का लिंग अनुपात कितने प्रतिशत है? 14.5। मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? दिग्विजय सिंह के। 3 फरवरी 2001 से। मध्य प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 16 दिसंबर 1952 में। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी से संबंधित योजना का नाम है जय किसान फसल ऋण माफी योजना, इसका शुभारंभ हुआ 15 जनवरी 2019 से। मध्य प्रदेश में ताप्ती दर्शन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे द्वारा। मध्य प्रदेश में आशा सहयोगियों को प्रतिकिट प्रोत्साहन राशि अब कितनी कर दी गई? 300 रुपये। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 के अंत तक बेरोजगारी कितने प्रतिशत तक पहुंच गई? 9.8। मध्य प्रदेश सरकार कौन सी संस्था से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी? भारतीय रिजर्व बैंक। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का सलाहकार किसके नियुक्त किया है? राजेंद्र कुमार मिगलानी को। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना कब अनुमोदित? 2 अगस्त 2000। अंतर्राष्ट्रीय बॉस सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2017 में किस स्थान पर किया गया? इंदौर। मध्य प्रदेश का प्रथम आधुनिक हथियार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दमोह। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा घोषित उस्ताद अली खान सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया? संदीप सिंह। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जर्मनी की कंपनी के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसका नाम क्या है? आंगनवाड़ी शिक्षा। आपको बता दें कि हम लोगों ने 19 सितंबर तक देख लिया है जनवरी से लगा कर। अब जो 18 का अगर आपको लगे कि जरूरी है पढ़ना तो वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ ये PDF, वहां से पढ़ सकते हैं। अगर 18 के बाद पढ़ना है तो 19 सितंबर तक का हम लोग देख चुके हैं लेक्चर, ठीक। अगर वैसे भी PDF तो आप लोग वहीं से डाउनलोड करोगे ना, कर लेना, देख लेना वहां से जो भी अच्छा लगे, ठीक।